तो मलिक गैंग आज कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंगली जो कि इंडियन बाइक ड्राइव 3D में बहुत ज्यादा वायल्स है, जो कि अभी तक तुम्हें नहीं पता होगा, बट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कौन कौन से ऐसे ग्लिच है में जिनको तुम यूज करोगे तो तुम्हें नॉर्मल कार भी एक वेपन कार लगने वाली है। देखो पहला ग्लिच मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम जो हमारा फर्स्ट वर्जन PU है तो हम उसको ऐसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जिसका नाम मुझे नहीं पता है, एंड इसको करना बहुत ज्यादा इजी है, एंड इसके अंदर अगर तुम फाइटिंग करोगे तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने इसको फिर से नॉर्मल कर लिया, तो ऊपर तुम्हें कैमरे का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम उसको इजिली कर पाओगे। एंड तुमने ये कैमरे का ऑप्शन बहुत बार देखा होगा बट तुमने अभी तक इसे कार वगैरह में यूज करा होगा, अभी तक नहीं करा होगा मुझे पता है, बट अब ध्यान से कर लेना। तो अब हमारी नेक्स्ट ग्लिच आती है कि हम एक हेलीपैड के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा कर देंगे तो हम दोनों को एक साथ ड्राइव कर सकते हैं, एंड अगर हम ऊपर वाले को चलाएंगे तो नीचे वाला भी ठीक ठाक चलेगा। तो इसके लिए हमें एक अच्छी सी लोकेशन चाहिए थी जिसके लिए मैं रेलवे ट्रिक्स पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे भाई 3-4 गाड़ी मंगा के रखना जिससे कि भाई जो जगह होगी वो स्पेस बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो यहाँ पे यार यहाँ पे टार्जन एंड स्कॉर्पियो वगैरह वगैरह जितनी भी गाड़ी है जितनी भी तुम्हें मंगानी है सब मंगा लेना, क्योंकि यार यहाँ पे जगह की बहुत ज्यादा कमी हो जानी चाहिए जिससे कि हमारा ग्लिच अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो यहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो भी आ चुकी है एंड ये स्कॉर्पियो NSRS से, तो एंड अब आता है वक्त उसे मंगाने का। तो 3555 मतलब 3 बार 55 करोगे तो ये आ गया, एंड तुम्हें ये स्पीड में करनी है एंड ये देखता है भाई ये वर्क करता है या नहीं। तो दोनों चीज आ चुकी है बट मुझे अभी लगता नहीं है क्योंकि एरोप्लेन के अंदर चला जाना चाहिए था। तो चलो अभी ट्राई करके देखते हैं अपनी मिथ को एंड देखते हैं कि ये कितनी रियल है, एंड मिथ तो नहीं है वैसे ग्लिच ही है ये, एंड देखते हैं ये ग्लिच कितना ज्यादा ओ भाई ये ग्लिच काम बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि हमारा हेलीकॉप्टर है वो थोड़ा साइड को जाके खड़ा हो गया है, एंड ये भाई ये वाली ग्लिच तो बिल्कुल भी सही वर्क नहीं करती है। तो चलो इसका तो कुछ नहीं पता बट अभी हमें नेक्स्ट ग्लिच जो है वो कन्फर्मली काम करेगी। हमारी नेक्स्ट ग्लिच है कि यार हमारा जो कैरेक्टर है वो पानी के अंदर पुशअप लगाता है, तो ये कितनी कन्फर्म है एंड कितनी सही है वो पता चलेगा अभी तुम्हें लोकेशन पर। फाइनली हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल पे एंड यहाँ पे हमारी ग्लिच जो है वो काम करने वाली है, एंड जो हमारी लास्ट ग्लिच है वो सबसे ज्यादा बेस्ट एंड सबसे ज्यादा रेयर है, एंड ये एड वाले और परेशान करते हैं, बट उससे पहले हमारी रोल्स रॉयस आ चुकी है एंड रोल्स रॉयस को सीधा खड़ा करना है पहले तो, एंड इसको एक बार रोटेट कर लेता हूँ एंड स्विमिंग पूल पे काम करेगी। तो ऑफकोर्स ये स्विमिंग पूल के ऊपर से मतलब साइड से इधर खड़ा करना है तुम्हें इसे, एंड ये देख सकते हो तुम कुछ इस तरीके से लेके आनी है एंड इसे रिवर्स मारना है, एंड जैसे ये पीछे को ऐसे खड़ी हो तो अपने कैरेक्टर को उस पे से उतार देना है, ये नीचे गिरेगा ओ भाई ये नमूने का बीमार नीचे गिर चुका है, एंड ये देखो पुशअप सी मार रहा है बट हाँ ये पुशअप तो नहीं थी बट ये खड़ा हो रहा है एंड ये भाई ठीक है बट ये आधा काम करती है, ये पुशअप वगैरह नहीं मारता सिर्फ ये खड़ा हो रहा है भाई इसके अंदर। तो लेट्स गो, ये तो भाई ठीक तरीके से वर्क नहीं करती है। एंड अब हमारी लास्ट एंड सबसे मेन मिथ मतलब ग्लिच, मिथ एंड ग्लिच इनमें कोई फर्क नहीं है भाई इंडियन बाइक ड्राइव 3D में। तो यानी कि हमें पहले तो यहाँ पे स्पॉन मोड से यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उन सबको स्पॉन करना पड़ेगा स्पॉनर मोड से, एंड उसके बाद एक रोल्स रॉयस चाहिए होगी। तो चलो जल्दी से जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उन सबको स्पॉन कर देते हैं। देखो ज़ॉम्बीज तो आने स्टार्ट हो चुके हैं, एंड अब मुझे क्या करना है यहाँ पर एक रोल्स रॉयस चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, एंड हमारे चिट कोड डालते ही आ चुकी है हमारी रोल्स रॉयस, बट उससे पहले ऐड आ चुका था। देखो मैं रोल्स रॉयस के अंदर बैठ चुका हूँ एंड अब तुम देख सकते हो जो भाई तुमने स्टार्टिंग में थंबनेल में देखा था जैसे कि हमारी वेपन कार, तो ये देखो भाई वो वेपन कार का काम करती है हमारी रोल्स रॉयस। भले से तुम्हारे गेट वगैरह जो भी भाई स्टार्टिंग में टूट जाएंगे बैठते वक्त, बट हाँ लास्ट में तुम जैसे कि इसके पास कोई ज़ॉम्बी आएगा, देखो ये आ रहा है मेरे पीछे पीछे से एक ज़ॉम्बी, तो देखो ये इधर आया वो खुद मर गया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड जो तुम्हारी हेल्थ है वो भी बहुत ज्यादा रहने वाली है, एंड ये बिल्कुल वर्किंग है एंड तुम्हारे सामने मैंने लाइव इन्हें करके भी दिखाया है। तो यार ये तो बहुत ज्यादा मस्त है, देखो इधर जितने भी ज़ॉम्बी से एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एंड इसके अंदर तुम सलमान भाई बन के किसी को भी ऊपर चढ़ा भी सकते हो, तो यह वैसे खड़ी भी कर दोगे उसके पास एंड वो तुम्हारे पास आएगा तो वैसे ही खुद मर जाएगा, एंड जिस तरीके से भाई मैं इन ज़ॉम्बीज को ठोक रहा हूँ उस तरीके से तुम ठोक दो सब्सक्राइब बटन, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, इतने के लिए गुड बाय।